यही हिट किया जा रहा है कि आप भारी हैं, भारी इस तरीके से, क्या वजह है इसकी? ये तो प्रोपेगेंडा बीजेपी का, जेजेपी वाला वो भी राजस्थान का है। अच्छा, तो मेरे पे तो कही नहीं सकते ये बात, मेरे पे तो दोनों तरह से नीला हो चुकी बात, मतलब मायूसी भाजपा की कार्य प्रणाली से है। बार बार मौसी और माँ का जिक्र करते हैं मेरे कई इंटरव्यू में, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ही है कि आपके सामने जो है बीजेपी के कैंडिडेट आपके मित्र बताए जाते हैं। हाँ, हमारे मित्र, दो मित्रों के बीच में लड़ाई नहीं है, दो पार्टियों के बीच लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, ये लड़ाई जनता और भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो 10 साल से सांसद हैं यहाँ पे, रिपोर्ट कार्ड को किस तरीके से देखते हैं उनका जो रिपोर्ट कार्ड? बीजेपी जो नेशनल मुद्दे उठा के ला रही है, राम मंदिर, 370, ये सारी चीजें, लेकिन आपके इलाके की बुनियादी चीजें क्या है, मुद्दे क्या है? हमारे बुनियादी चीजें ये है, सबसे पहले ये तो एक इशू को भटकाने वाला काम है, राम हमारे सब के हैं। कल मनोहर लाल जी थे आपके इलाके में, बड़ा कुछ कह गए, बोले कि तो कैसे कमा लिया, ये एक आरोप लगा दिया आपको। वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलख हरियाणा। हमारे साथ राव दान सिंह जी हैं, भिवानी के प्रहलादगढ़ में जन्मे, 9 तारीख को अभी जन्मदिन भी आ रहा है आपको आपका, तो पहले तो शुभकामनाएं जन्मदिन की भी। और भिवानी जिले में आप जन्मे, लेकिन बार बार यही हिट किया जा रहा है कि आप भारी हैं, भारी इस तरीके से, क्या वजह है इसकी सर? देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा बीजेपी का, भारी का तो पहले सवाल पैदा नहीं हुआ। अनपार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, जन्म मेरा महेंद्रगढ़ का है, पढ़ाई मेरी गवर्नमेंट स्कूल भिवानी की, जन्म मेरा प्रहलादगढ़ का है, पढ़ाई मेरी यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की है, वेस्ट कॉलेज की है। जो भारी कहते हैं वो तो खुद सोचते हैं, खुद उनका जन्म तो दूसरे क्षेत्र में हुआ है, दूसरे पार्लियामेंट में, तो मेरे को तो कही नहीं सकते। जो जेजेपी वाला वो भी राजस्थान का है। अच्छा, तो मेरे पे तो कही नहीं सकते ये बात, मेरे पे तो दोनों तरह से नहीं लागू होती कोई बात। वही कहते हैं ना फिर, उन्होंने बार बार यही कहते हैं ना जी, वो तो वहाँ से हैं, महेंद्रगढ़ से हैं, राव साहब तो फिर इधर आ गया। नहीं नहीं, उनका तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, उनकी तो असेंबली भी नहीं लगती पार्लियामेंट में कोई से की भी, वो एक तो राजस्थान का है, एक जरदालू से है जो हिसार में, हिसार में पड़ता है। तो अब एक तो ये बात बताइए सर, आप बार बार मौसी और माँ का जिक्र करते हैं मैंने कई इंटरव्यू में, तो उसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह ये है कि देखिए, जैसे माँ और मौसी दोनों बहनें हैं ना, ऐसे महेंद्रगढ़ और भिवानी, क्योंकि मेरी जन्मस्थली महेंद्रगढ़ प्रहलादगढ़ होगी और कर्मस्थली महेंद्रगढ़, दोनों एक पार्लियामेंट भिवानी महेंद्रगढ़ के हिस्से हैं। इसलिए सर, महेंद्रगढ़ को अब की बार पहली बार टिकट मिली उस इलाके को, तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं चुनाव के ऊपर आप? बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह का भी, लोगों के अंदर चारों तरफ से यहाँ भी वहाँ भी बड़ा उत्साह है, और लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से दुखी हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बदलाव हो, और उस बदलाव के लिए ये सारी बातें हो रही है। जो आपने देखा होगा, जितना आक्रोश, इतनी नाराजगी, इतनी मतलब मायूसी भाजपा की कार्यप्रणाली से, इतनी किसी से। आपके सामने जो हैं बीजेपी के कैंडिडेट, आपके मित्र बताए जाते हैं? हाँ, हमारे मित्र पक्के मित्र हैं। हाँ, पक्के मित्र, लेकिन चुनावी मैदान में ये चुनावी पार्टी की अपनी पॉलिसियां हैं, एक विचारधारा है, हम दो मित्रों के बीच में लड़ाई नहीं है, दो पार्टियों के बीच लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, ये लड़ाई जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और फैसला जनता लेती है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जनता का फैसला बहुत भारी रहेगा। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो 10 साल से सांसद हैं यहाँ पे, रिपोर्ट कार्ड को किस तरीके से देखते हैं उनका जो रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड बीजेपी सांसद के अलावा बीजेपी इटसेल्फ का देखें आप, उन्होंने जो कहा वो कोई काम नहीं किया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख जाएंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आमदनी डबल करेंगे, ट्रेन लेके आएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं लेके आए। हरियाणा के कौन सा लेके आए आपके लोकसभा? कोई नहीं, एक भी नहीं गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। यही है विरोध का कारण, जो खाओ किया नहीं। तो अगर दोनों कैंडिडेट को के देखें, प्लस माइनस क्या है, आपके प्लस क्या है, उनके माइनस क्या है? देखिए, मैं माइनस तो मेरे ढूंढता नहीं किसी दूसरे के जी, मैं सिर्फ प्लस ढूंढता हूँ, प्लस हूँ मैं, पॉजिटिव आदमी, पॉजिटिव बात करता हूँ। हम ये कह सकते हैं कि जितने काम कांग्रेस के टाइम पे जो भूपिंदर सिंह हुड्डा जब CM थे हुए, मेरे यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, जो बहुत बड़ी संस्था है, तो इससे पहले महेंद्रगढ़ में कोई यूनिवर्सिटी आज तक नहीं आई 75 साल की देश की आज़ादी के बाद। और जो भी काम, चाहे ROB का रहा हो, चाहे मिनी चेकटेट का रहा हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स का रहा हो, पार्क बनाने का रहा हो, सब तहसील बनाने का रहा हो, सब डिवीजन बनाने का रहा हो, चाहे आयुर्वेदिक कॉलेज महेंद्रगढ़ में नारनौल बनाने का रहा हो, चाहे सतनाली के अंदर
मतलब कॉलेज की बात रही हो, वहाँ सबसे अच्छी की बात रही हो, वहाँ ब्लॉक की बात रही हो, वहाँ तो एक बस स्टैंड है ज़्यादा जहाँ तीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स ने उसका पत्थर रखा था और वो उसका बस स्टैंड नहीं बना पाए। इवन हमारे इस भाई धर्मवीर ने भी एक पत्थर रखा था उसमें, वो लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए जब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। हमने उसको कहा कि हम शिलान्यास नहीं करवाएंगे, हुड्डा साहब से उद्घाटन कराएंगे, हमने कराया। राव साहब वो ही रहा कि बीजेपी जो नेशनल मुद्दे उठा के ला रही है, राम मंदिर 370 ये सारी चीज़ें, लेकिन आपके इलाके की बुनियादी चीज़ें क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? हमारे बुनियादी चीज़ें ये है, सबसे बड़ी ये तो एक इशू को भटकाने वाला काम है। राम हमारे सबके हैं, राम के हम हमेशा बड़े आस्था के साथ मानते हैं। मैं हनुमान भक्त हूँ, हनुमान खुद सेवक थे भगवान राम के, तो राम जी तो सब सर्वविदित है। राम जी के बारे में तो कोई कहे कि मेरा विशेष है, मैं नहीं मानता। जहाँ तक रही बाकी बातों के लिए, असली मुद्दा क्या है, बेरोजगारी, महंगाई और खास तौर पे अग्निवीर। जो आज अग्निवीर की बात करते हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर अग्निवीर जो है ना, आप ये देखिए उसका इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यहाँ के नौजवान बच्चे 400-400 की संख्या में रोडों पे दौड़ते नजर आते हैं। अब नजर आए कोई आपको, जब उनसे पूछा जाता है क्या कर रहे हो, फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं, फौज में भर्ती होना है। जब फौजी 4 साल की है वो भी अनसर्टेन, वो चार्म नहीं रहा, 75% बिल्कुल नहीं रहा, वो भी 75% आप वापस आ जाएंगे, तो एक सॉर्ट ऑफ डेमोक्लेस उनके ऊपर रहती है कि मेरा नंबर 75 में आ जाएगा तो मेरे पास भविष्य क्या है, न उनकी पेंशन है, न रिटायरमेंट बेनिफिट है उनके, न एक्स सर्विसमैन का कोई स्टेटस है, न कोई सरकार की नीति है जो उसको वहाँ एडजस्ट कर दे। कल मनोहर लाल जी थे आपके इलाके में, बड़ा कुछ कह गए, बोले कि धोखे से कमा लिया, ये एक आरोप लगा दिया आपको। वो एक पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे हैं, मैं उनके किसी उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल हमारी तरफ से 100% ईमानदारी से 100% नेक नीति से काम करते हैं। इसके अंदर कोई भाई कुछ भी कहना चाहे वो कह सकता है, वो उसका अपना कार्य क्षेत्र है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ ऐसे कोई बात ना हमने की ना करेंगे। जी जी, किरण चौधरी क्या दिल से आ गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब फिट हो गया? नहीं नहीं, पार्टी का जो भी अनुशासित सिपाही होता है तो वो दिल से ही आएगा, दिल से ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कोई बड़ा ऐसा है कि कोई बड़ा नेता सेंटर से या फिर ऐसे है कोई बड़ी रैली या बड़े नेता में अभी लोग आएंगे? जी जी, अभी ये रैलियां जो चुनाव के नजदीक होती हैं वो तय होगा। उसके बाद में जैसे हुड्डा साहब भी आ रहे हैं 9 तारीख को, दो जगह जो वर्कर मीटिंग लेंगे, एक जिला भिवानी के वर्कर्स की, एक जिला दादरी के वर्कर्स की। उसके बाद में आगे की नीति बनाई जाएगी, जो नीति बनेगी हम आपको बता देंगे। ठीक है सर, आपने टाइम दिया, इतना धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।